एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स खबरी। आज हम बात करने वाले हैं ज्योति चौहान से, द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू स्कोर अ हैट्रिक इन अ टॉप डिवीजन यूरोपियन लीग। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम ज्योति हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड हाउ हैज इट बीन सो फार। हाय ज्योति, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छी। ज्योति, शुरू से अगर शुरू करें, कैसे आए आप फुटबॉल में, कैसे आपने खेलना शुरू किया? मेरी फुटबॉल लाइफ ऐसे जुड़ी है कि मेरे घर के पास में जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, मैं वहाँ पर ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी और वहाँ पर जाकर देखा कि सिर्फ बॉयज जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर मैंने धीरे धीरे ऐसा ही आउटसाइड में फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। तो मेरे कोच शैलेंद्र पाल सर ने मुझे बुलाया वहाँ पर और उन्होंने मुझे पूछा कि आप फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने हाँ बोला उनको। पर वहाँ पर कोई लड़कियाँ थी नहीं, सिर्फ मैं एक अकेली लड़की थी जो फुटबॉल खेलती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने स्कूल की फ्रेंड्स को और मेरे क्लासमेट को मैंने जब बोला कि आप लोग भी वहाँ पर आके फुटबॉल खेल सकते हो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, ऐसा करके मैंने सबको बोला तो वो लोग आए और मेरी बात भी सुनी बहुत सारी लड़कियों ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हमारी स्कूल की टीम बनी और फिर स्कूल के बाद जब स्कूल के स्टेट लेवल पे हम लोग गए तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये तो थी शुरुआत, फिर कैसे आपको लगा कि आप प्रोफेशनली फुटबॉल खेलना चाहेंगे? जब मैंने फोर्थ क्लास से फुटबॉल स्टार्ट किया था और मैंने फोर्थ फिफ्थ में जब प्रैक्टिस किया और जब मैं सिक्स में मैं स्कूल की तरफ से स्कूल का नेशनल गेम खेलने के लिए गई, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरी फैमिली को भी। तब मुझे लगा कि हाँ, अभी फुटबॉल मेरे लिए ठीक है। और अगर मतलब बहुत सारी जगहों पे मुझे जाने के लिए मिला तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं फुटबॉल में कुछ कर सकती हूँ और मेरा फुटबॉल ही मेरा पैशन होना चाहिए और मेरी लाइफ ही मेरा फुटबॉल होना चाहिए। तो मैंने ऐसे करके धीरे धीरे फुटबॉल में इंटरेस्ट लिया। फिर मैं सिक्स सेवन्थ क्लास में जब मैं और अच्छा करा तो मेरे को सेवन्थ क्लास में SGFI की तरफ से मेरा इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ था। तब मेरी फैमिली को और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तब से मैंने अपनी लाइफ को फुटबॉल बना लिया। एंड फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, क्योंकि प्रोफेशनली अभी भी देखा जाए तो उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है फुटबॉल में, तो फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? या रिश्तेदार वगैरह भी ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि हमेशा इनकरेज नहीं करते, कभी कभी डिस्करेजमेंट भी होता है जिससे हमें भी लगने लगता है कि हम सही रास्ता चुन रहे हैं या नहीं। फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास में मेरे पापा भी थे, तब उन्होंने मतलब पापा थे तब मोहल्ले वाले और आस पड़ोस वालों कुछ भी नहीं बोला, सब लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ जो भी कर रहे अच्छा कर रहे। पर जब सेवन्थ क्लास के बाद में पापा की ऐसा डेट हुई तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस टाइम पे हम लोगों का कोई सपोर्ट करेगा। और जब फैमिली वाले खुद ऐसा बोले कि लगे कि अभी तुम्हारे घर में भाई भी नहीं है और पापा भी नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे खेलते, मम्मी को बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी मत खिलाओ फुटबॉल, जब तक इनके पापा थे तब तक ठीक था, अभी इनका खर्चा स्कूल का और ये खेलने के लिए कौन उठाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मना भी किया पर मम्मी ने मना नहीं किया हम लोगों को, मम्मी का हमेशा फुल सपोर्ट ही रहा था। और जब नाइन्थ और टेंथ क्लास में मम्मी को मतलब बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया कि अभी मत खेला फुटबॉल वरना हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़े पापा की फैमिली और ये लोग तो हमारे घर पे आज भी नहीं आते, उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों का जल्दी शादी कर देना चाहिए और ये लोग अपना अपना लाइफ सेट करेंगे, तो वो लोग आज भी हमारे घर नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि चार लड़कियां हैं, उनको हम लोगों को पालना पड़ेगा अगर हम लोग उनके घर गए तो। तो फिर जो कुछ भी करती है मम्मी करती है और अभी तक मम्मी का फुल सपोर्ट है मेरे हम लोगों के फुटबॉल को लेकर। आई एम सॉरी कि आपको इतनी यंग एज में ये सब देखना पड़ा, ये स्ट्रगल के साथ जाना पड़ा। आपने बोला आपने इंडिया के लिए भी जब सिलेक्शन हुआ, कैसा था इंडिया कैंप, कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस एज एन एथलीट, कैसे आप चेंज हुए? मैं जब सेवन्थ क्लास में थी तब मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब जब तो ऐसा लगता था कि हाँ सिर्फ फुटबॉल ही खेलना है। पर जब मैं इंडिया कैंप में गई तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिला जो कि मैंने अभी तक मेरे साथ में मैं वो चीजों को लेके चल रही हूँ। तो वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि फिटनेस जरूरी होता है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है वो देखते है और आपका बॉडी के बॉल के साथ में कितना आप रन कर सकते हो। तो मुझे वो सब चीजें मैंने ऑब्जर्व किया अपने अंदर कि हाँ अभी फुटबॉल में ये सब चीजें, जितना मुझे नेशनल खेलने का मौका मिला उसमें मैंने हर एक चीज सीखी कि हाँ फुटबॉल में ये होता है। फिर मैंने और आगे गई, फिर मैं जब सीनियर इंडिया कैंप किया तो मुझे वहां पर भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिला कि मतलब एक प्लेयर को प्रोफेशनली कैसा रहना चाहिए, कैसा अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। तो वो सब चीजें देख के मैं धीरे धीरे अभी
मतलब इतना कुछ मैंने सीख लिया कि आज मैं इस लेवल पे जी हूँ। क्रोएशिया के सफर के बारे में तो अभी हम बात करेंगे, पर उसके पहले आपने इंडिया में भी क्लब्स के लिए खेला है, गोकुलम केरला के लिए भी आपने खेला है, तो थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करें कि कैसा था इंडिया का क्लब एक्सपीरियंस आपके लिए। जैसे कि अगर देखा जाए, मैंने फर्स्ट क्लब कैंक्रेट को साइन किया था, तो वहां पर मुझे बहुत सारी टीमों के साथ में कंटिन्यू मैच खेलना मिला, तो मेरा गेम में और इम्प्रूवमेंट हुआ। और तब मुझे पता चला कि हाँ, अपने इंडिया में भी ऐसे क्लब होते। मुझे सिर्फ बॉयज का पता था कि हाँ, बॉयज लोग क्लब में खेलते हैं, बॉयज लोग बाहर भी खेलते हैं। पर जब मुझे अब जब मैंने खेला कैंकरे में, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, गर्ल्स का भी क्लब होता है, बहुत कंपटीशन होता है। जैसे कि स्कूल गेम्स में तो अपना अपना स्टेट से आता है टीम, पर क्लब में क्या है कि सब अच्छे अच्छे प्लेयर से साइन करती। तो वहां पर भी मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, और मैंने अपना 100% दिया। कैंकरे में मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने खेला था, तो मैं वहाँ की टॉप स्कोरर भी बनी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जब अपने स्टेट में टॉप स्कोरर बन सकती हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं बन सकती। जब मैं वहां बनी, तो मुझे फिर मैंने आगे का सोचा कि मैं जब और आगे जाऊंगी, तो मुझे वहां की भी टॉप स्कोरर बनना है। ZNK के ट्रायल्स हुए, फिर आपका क्रोएशिया का सफर हुआ, बट वो जो ट्रायल वाला मोमेंट था, आपको पता चला कि ट्रायल्स है, मेरे को जाना है, कैसे पता चला आपको ट्रायल्स के बारे में, और वो ट्रायल्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? जब मेरे पास में मैं गोकुलम से खेल के जब मैं घर आ गई, IWL चैंपियन होके, तो मेरी फैमिली पहले बहुत खुश थी कि मेरी मतलब इतना बड़ा क्लब में जाके और वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करके अब टीम चैंपियन हुआ है। तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी, और मैंने सोचा था कि कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। अभी सडनली मेरे पास में कॉल आया कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप कोलकाता में ट्रायल हो रहा है आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो आप आ सकते हो। तो मैंने मम्मी से परमिशन ली। तो मम्मी का पहले मतलब वो थोड़ा डर रहते कि मेरी लड़की अगर सिलेक्शन हो गया तो बाहर जाएगी, तो उसको कौन ट्रीट करेगा कौन नहीं। तो मैंने फिर मम्मी से परमिशन लिया, मम्मी ने यस भी बोला, क्योंकि मेरे हर डिसीजन में मेरी मम्मी सपोर्ट करते थे। तो मैंने उस टाइम पे भी हाँ बोला। जब कोलकाता में गई, मैंने अच्छे क्लब देखे, तो मैं क्लब के जो कोचेस आए थे, उनको देख के थोड़ा ऐसा डर लग रहा था कि इतना बड़ा क्लब के सब कोचेस आ रहे, तो पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। पर मेरे अंदर से तो एक ही चीज चला था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और अगर बेस्ट दूंगी तो फिर मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो वहां पर मेरा जो फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गया, सेकेंड डे भी मेरा बहुत अच्छा गया, और कोच सब मेरे गेम से और मेरा परफॉर्मेंस से काफी खुश थे उस टाइम पे। तो मुझे बोला नहीं था कि सिलेक्शन हो गया या नहीं। फिर मैं जो मेरा एजेंट है, उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि ये कैंप खत्म होने के बाद में डिसाइड होगा कि आप कौन से क्लब में जा रहे हो, कौन आपको ले रहा है। फिर घर जाने के बाद में कुछ टाइम बाद जब मुझे पता चला कि मेरा और मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, और वहां पर जाना है, फिर से वहां पर एक ट्रायल देना है, फिर उसके बाद में डिसाइड होगा, तब मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा। पर डर भी तो होगा कि एक अननोन कंट्री में जाना है, जहाँ की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, जहाँ का माहौल हाँ बहुत डिफरेंट है, घर वालों को भी आई एम श्योर डर लगा होगा कि लड़की को अपनी हम भेज दें, तो कैसे आपने इमोशनली खुद को प्रिपेयर किया कि इस बड़े चेंज के लिए? फर्स्ट टाइम जब मुझे ये सब पता चला कि हम लोगों को क्रोएशिया जाना है, वहां पर भी ट्रायल है, और वहां पर जब ट्रायल देखे, तब डिसाइड होगा कि हम लोगों का सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। तो फैमिली वाले बहुत डर रहे थे कि तुम इतना दूर जा रहे हो, और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वापस आने देंगे कि नहीं। तो घर वाले थोड़ा डरे हुए भी थे, और मैं भी, कि यार मतलब क्रोएशिया, अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना है कि क्रोएशिया भी एक कंट्री है। तो जब मैंने घर वालों को बोला, तो घर वाले भी शॉकिंग थे कि ये किधर है और कैसे क्या होगा सर। तो जब मैं यहाँ पर आई, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था फर्स्ट टाइम में। जब मैं यहाँ पर 1 वीक का जब मैंने ट्रायल दिया और मैं मैच खेला, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर उन लोगों के साथ में कॉम्युनिकेशन, और फुटबॉल यहाँ का फुटबॉल में थोड़ा मतलब डिफरेंट है, अपने इंडिया का थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे उनके साथ में सेट होने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो जब हमारा एक फ्रेंडली मैच हुआ था, तो सिर्फ मैच में हम लोगों को फर्स्ट प्लेयर में तो डाल दिया था, पर ये नहीं पता था कि सामने वाली गर्ल्स कैसा खेलती है, मैं हमारे साथ में जो दिनों के प्लेयर है वो कैसा खेलते हैं, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर उस टाइम पे ऐसा सोचा था कि बस अभी खेलना है और सिलेक्शन कराना है। तो उन लोगों के साथ में जब मुझे मेरे मेरे नम, मेरे स्ट्राइकर पोजिशन पे जब मुझे डाला, तो मेरे साथ में यहीं की एक लड़की थी, वो उसको थोड़ा इंग्लिश आ रहा था, तो वो मुझे समझा रही थी कि अभी ऐसा करो। और जब मैंने फर्स्ट स्कोर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं इंडिया में गोल मार सकती हूँ, और यहाँ पे बिना कॉम्बिनेशन के मैं गोल मार सकती हूँ, तो मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सेकेंड गोल फिर मैंने मारा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अभी ठीक है। फिर वो लोगों के साथ में फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अभी मैं स्कोर तो कर सकती हूँ, पर ये लोगों के साथ में कॉम्बिनेशन भी मेरा बन जाएगा, अगर मैं थोड़ा टाइम और प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा,
या मुझे यहाँ पर अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी बनेगा। और फिर हम लोगों का फ्रेंड में चलने के बाद में मुझे कोच ने बोला कि बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था, ये लोग सेटिस्फाई भी हुए मुझसे, मुझे अच्छा भी बोला, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। फिर जब अनुज ने मुझे बताया कि आपका सोम्या का सिलेक्शन हो गया है तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और वहां से वो जो गोल का सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म नहीं हुआ है और नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट इंडियन है टू स्कोर अ हैट्रिक इन अ टॉप डिवीजन यूरोपियन लीग। कैसा लगा वो मोमेंट, कैसा था आपके लिए कि इतना बड़ा अचीवमेंट? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैंने यूरोप में आके हैट्रिक मारा। और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे ये क्लब या और कोई सा भी क्लब या इंडिया में कोई सा भी क्लब, तो मैं मतलब हर मैच में स्कोर मारना चाहूंगी और हर मैच में अपना 100% देना चाहूंगी। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पहले से एक छोटे से गांव से हूँ और आज मैं इतने बड़े यूरोप कंट्री में खेल रही हूँ, और मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस के कारण मेरा स्टेट का भी नाम और अपने इंडिया का भी नाम हो रहा है, तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं। जी, आप हम सबको इंस्पायर कर रही हैं ज्योति। आई एम श्योर कि यहाँ से भी जो राइजिंग फुटबॉलर्स हैं या जो हमारे प्रेजेंट लोग जो भी खेल रहे हैं फुटबॉल, वो भी आपको रीच आउट करते होंगे सीखने के लिए या मे बी जानने के लिए कि कैसे वो भी यूरोप में खेल सकते हैं या बाकी कंट्रीज में खेल सकते हैं। तो क्या वो इंटरेक्शन होनी शुरू हो गई है? हाँ, जैसे कि मेरे जो कांटेक्ट में है वो लड़कियां तो मुझे मैसेज करती है कि दीदी आप हमारे कांटेक्ट में होता, आप हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमसे बात करते हो। तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं यार, जो आप लोगों की सपोर्ट से और आप लोगों के वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर मेरा कुछ भी जरूरत होगा तो तुम लोग मुझे बोलो, मैं करूंगी। बहुत सारी लड़कियां मेरे यहाँ पे, जो लड़कियां है वो सब ये बोलते हैं कि हमको जैसे दीदी जैसा ही बनना है। और मेरे यहाँ पे 2-3 10 से 12 ईयर्स की लड़कियां आती है, उनकी फैमिली में बस वो मेरा ही नाम लेती है कि बस हमें ज्योति दीदी जैसा ही बनना है। और मुझे वो चीज देख के बहुत खुशी होती है कि मेरे ग्राउंड पे सब मुझे ऐसा एक अच्छे प्लेयर की तरह ट्रीट करते हैं, और मुझे बच्चे सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लेडी क्रिस्टियानो हो हमारे लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जी, सच सच अ ग्रेट अचीवमेंट ज्योति। बट कभी प्रेशर फील होता है कि अब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, लोगों को आपसे इतनी उम्मीद है, तो क्या कभी प्रेशराइजिंग फील होता है? थोड़ा होता है, मतलब अभी ये इस लेवल पे मैं सडनली पहुंचती हूँ, तो मैं ये चाहती थी मैं और अच्छा करूँ, मुझे वापस पीछे नहीं आना है, क्योंकि अगर मैं सडनली पीछे आ जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे ये लेवल पाने के लिए मतलब कितना मेहनत करना पड़ेगा। पर अगर अभी मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क करना है, जिससे मेरा और अच्छा गेम को लेकर के, और मैं अपना मैं चाहती हूँ मैं हर मैच में हैट्रिक मारूं और अपने इंडिया का मतलब एक हिस्ट्री बना दूं कि हाँ अभी कोई है जो हर मैच में हैट्रिक मारती है, मुझे वापस पीछे नहीं जाना हाँ है। जी, और जाएंगी भी नहीं आप, ओनली अप एंड अपवर्ड्स नाउ। ज्योति, जब आप शुरू में गई क्रोएशिया तो आई एम श्योर कि लैंग्वेज की वजह से या वहाँ के रहन सहन की वजह से आपको एडजस्टमेंट में दिक्कतें हुई होंगी। टीम में भी शुरू में एडजस्ट करने में और अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है आपके साथ ऑफकोर्स, क्योंकि यू नो गोल्स शुरू से ही आने शुरू हो गए, तो वो आई एम श्योर कि वो एक्सेप्टेंस बहुत पहले आ गया होगा। बट कैसे आपकी टीम आपके साथ है, यू नो आफ्टर वो हैट्रिक आपकी टीम ने आपको कैसे अप्रिशिएट किया, और कैसे अभी तक आपको लग रहा है कि आप चेंज हुई हैं एज एन एथलीट क्रोएशिया जाके? जब मैं फर्स्ट बार ये लोगों के साथ में खेला मैंने, तो मुझे यहाँ पर तो पहले सबसे ज्यादा तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी गर्ल्स को इंग्लिश भी नहीं आता है और वो लोग फिर मुझे समझा भी नहीं पाते, तो आपस में बात करके फिर जिसको इंग्लिश आता है वो लोग मुझे फिर ट्रांसलेट करते हैं, साथ मैच में भी और प्रैक्टिस में भी। तो मुझे पहले तो ऐसा लगा था कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पर फिर हम लोगों को कोच ने बोला कि अगर ये लोग इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हो तो तुम लोग क्रिएशन लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उन लोगों ने हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा क्रिएशन लैंग्वेज का मुझे ट्रांसलेट दिया कि आप बोल को क्या बोल सकते हो, हाय हेलो कैसे करना है, अगर आप बोल लेके जा रहे हो तो आपको क्या बोलना चाहिए, विदाउट बोल आपको क्या बोलना चाहिए, तो हम लोगों को वो चीजें सिखाई। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ अभी ठीक है, तो अभी जैसे कोई हमारा प्लेयर के पास में अगर कोई मेन डे आया तो हम वो चीज फटाक से बोल सकते, पहले हम कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या बोले तो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और जब प्लेयर ने मेरे साथ में जब यहाँ के प्लेयर साथ खेल रहे थे तो मुझे वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते थे, और फिर वो लोग ऐसा मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये लोग मुझे एक जैसे मैं इंडिया से आई हूँ मैं, और ये लोगों के साथ में थोड़ा मुझे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। कुछ टाइम मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने एक ही चीज अपने दिमाग में बिठा के रखी थी कि मुझे हर मैच में फर्स्ट गेम खेलना है, और उसके बाद में इन लोगों से मुझे इतना अच्छा
बॉन्डिंग बना के रखना है कि आगे चल के ये लोग मुझे याद भी रखे और बोले कि हाँ एक लड़की आई थी जो हमारे साथ में बहुत जल्दी सेट हो गई और वो चीज मैंने करी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया क्रोएशिया में, आपने इंडिया में जो एक्सपीरियंस किया, एक चीज बहुत कॉमन है जो मैंने जितनी भी हमने अभी तक जितने हमारी वुमेन फुटबॉलर्स से बात की है कि उन सबको लड़कों के साथ खेलना शुरू किया क्योंकि उनके एरिया में लड़कियां खेलती ही नहीं थी फुटबॉल, ना ही कोई गर्ल्स टीम्स थी। कुछ लोगों को वापस से शुरू से अपने स्कूल में क्रिएट करनी पड़ी टीम्स, कुछ लोग लड़कों के साथ ही खेल रही थी टिल द टाइम उनको वो टीम नहीं मिली, राइट। बट अब उस बात को लेके अब तक काफी चीजें बदली हैं। आपने भी अपने साथ में देखा है कैसे एवोल्यूशन हुआ है वुमेन्स फुटबॉल का इंडिया में। क्या चीजें आपको लगती है कि हम बेटर कर सकते हैं जो आपको वहां देखने को मिलती है अपने क्लब में, जो बाकी क्लब्स हैं उनको देख के क्या लगता है आपके हम क्या बेटर कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे लड़कियों को ऐसा डिफिकल्ट होता है, मतलब वो इंटरेस्ट तो रखती है फुटबॉल में पर उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं पर, मतलब लड़कियां नहीं मिलती है, तो एक दो लड़कियां है तो वो लोगों को बाहर निकलने के लिए मतलब जगह नहीं मिलती है। तो मैं अपने इंडिया के लिए तो बस एक ही चीज बोलूंगी कि अगर इंडिया में जितने ज्यादा क्लब होंगे और जितने ज्यादा मैचेस खेलने को लिए मिलेगा और जितने टूर्नामेंट रहेगा तो उतना लड़कियों को प्रैक्टिस भी मिलेगा, कैंप कैंप के थ्रू पे वो लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और जब उनको मैच खेलना मिलेगा तो उनका मैच प्रैक्टिस भी होगा। तो इंडिया में जितना ज्यादा टूर्नामेंट और जितना क्लब ओपन होगा उतना गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को खाने का प्रॉब्लम होता है। और अभी मैं अपना मतलब बताती हूँ कि जब मैं फुटबॉल स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि खाने में क्या खाना चाहिए, कैसा डाइट होता है, कुछ नहीं। फिर जो घर में बन गया और आज भी मेरा वही रूटीन है, मैं अपने घर पे जाने के बाद मेरा कोई स्पेशल ऐसा खाना नहीं होता है क्योंकि जो चीज मतलब घर में हो रहा है वही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली में भी इतना कुछ है नहीं तो वो चीज मुझे लेके चलना पड़ती है। क्लब में जाती हूँ तो मुझे पूरा एक प्रोफेशनल जैसा ट्रीट होता है, खाने को लेकर के लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है, पर घर में अगर जो मिलता है वही खाना पड़ता है। तो अगर जितना अपने क्लब में इंडिया में जितना क्लब ओपन होगा उतना लड़कियां क्लब में खेलेगी तो उनको डाइट भी मिलेगा, फिर उनको मैच खेलना भी मिलेगा, तो बहुत मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया काफी ऊपर जा सकता है गर्ल्स में भी। जी, इवन वर्ल्ड कप में मतलब हमारी वुमेन्स टीम के ज्यादा पहले खेलने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू द मेन्स टीम। ज्योति, थोड़ा एक अगर हम कल्चर के बारे में बात करें फुटबॉल का, अभी भी इंडिया में जब मैचेस होते हैं तो स्टेडियम्स खाली पड़े होते हैं, काफी लोग नहीं जाते हैं देखने वुमेन्स फुटबॉल, बट क्रोएशिया में कल्चर डिफरेंट है। जब आप लोग खेल रहे हैं स्टेडियम्स भरे हैं, आप लोग जब अपना जर्सी पहन के सड़क पे जा रहे हैं पीपल नो कि आप लोग अपने क्लब के लिए खेल रहे हैं, वो आपको सपोर्ट देते हैं, तो क्या रोल एक कल्चर प्ले करता है एक एथलीट के लिए? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भी मैं जैसे हम लोग मैच खेलते हैं तो यहाँ पर डिनामो का बहुत क्राउड है, बहुत फैंस है, तो अगर अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते, हाँ अच्छी बात है आप रखो क्रिकेट में, पर अगर आप थोड़ा गर्ल्स को फुटबॉल गर्ल्स को और बॉयज में भी अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पर जैसे मैच खेलने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को जितना पब्लिक दिखता है उतना खेलने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हम लोग उसको सब जानेंगे, अगर हम लोग अच्छा नहीं खेलेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। ऐसा ही अगर अपने इंडिया में कहीं पे भी मैच हो रहा है तो अगर जितना पब्लिक होगा उतना ही इंडिया की गर्ल्स को बॉयज को खेलने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे ही अभी मैंने अपने इंडिया के मेन टीम का मैच देखा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतना प्राउड है मतलब जहाँ पर मैच हो रहा है। तो यही मैं चाहती हूँ कि इससे और ज्यादा हो, जिससे खेलने वालों को भी इंटरेस्ट आए और देखने वालों को भी। ज्योति, आपके पर्सनल फेवरेट फुटबॉलर्स कौन है जिनको आप आइडलाइज करते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शुरू से मतलब मैंने उसी को फॉलो किया है हर जगह पे, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो बस मेरे मुझे से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही निकलता है। और अभी देखा जाए तो अपने इंडिया का लेजेंड है सुनील छेत्री सर, बिग फैन, अभी उनके जितने भी स्कोर देखे हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिले। आई एम श्योर वो जल्द होगा। विमेन फुटबॉलर्स में आपकी पर्सनल फेवरेट कौन है? बाला देवी, क्योंकि वो पहली अपने इंडिया की प्लेयर है जिसने फर्स्ट टाइम क्लब साइन किया था। स्कूल के टाइम पे जब मैंने उनका गेम देखा था तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ उनका हाइट, उनका पर्सनैलिटी, उनका गेम, तो जब वो मुझे फर्स्ट टाइम सीनियर कैंप में भी मिले तो मुझे उनसे सीखने के लिए काफी कुछ चीजें मिली थी, तो मैं यही चाहती थी कि मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। ज्योति, एक मैसेज उन लड़कियों के लिए जो करियर बनाना चाहती हैं फुटबॉल में? मैं उनको यही बोलूंगी कि प्लीज आप लोग गिव अप मत करो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप
अच्छे प्लेयर से कांटेक्ट करो, उनसे थोड़ा मोटिवेशन लो, उनसे थोड़ा कांटेक्ट करो कि हम लोगों को कहाँ खेलना चाहिए। और अगर हम लोगों के मेरे पास में भी अगर कुछ ऐसा मैसेज आएगा तो मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करूंगी, मुझे मैं सजेस्ट करूंगी कि कहाँ पे उनको खेलना चाहिए, कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे अगर स्टेट में फुटबॉल नहीं है तो हम लोग नहीं खेल सकते हैं। आप बिल्कुल अपने घर पे वर्कआउट करो, आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई तो देख ही लेगा कि हाँ ये लड़की अच्छी, इसको बुलाना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आप अच्छे से अपने घर पे या स्टेट में कहीं पर भी हो तो आप अच्छा प्रैक्टिस करो। अगर मेरे कॉन्टेक्ट में या कहीं पे भी होगा तो आप लोग, अगर आपका फुटबॉल ही पैशन है तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा, उसको रोकने के लिए कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच ज्योति आज हमसे बात करने के लिए। वेरी थैंकफुल टू यू एंड गुड लक टू यू फॉर ऑल द एंडेवर्स दैट यू आर लुकिंग टू अचीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।